हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। सो जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैं दिल्ली आई हुई हूँ। सो अभी फ़िलहाल भैया मुझे नोएडा ड्रॉप करने के लिए जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर मेरी मौसी रहती है, मेरी मम्मी की मामा की बेटी रहती हैं। सो हम अभी मेट्रो में हैं फ़िलहाल, और सामने अक्षरधाम मंदिर है तो हम वहीं जा रहे हैं। मौसी के पास मैं कभी गई नहीं थी, मैं फ़र्स्ट टाइम उनके पास गई थी। नोएडा भी मैं कभी नहीं गई पहले। भैया मुझे ड्रॉप करने के लिए इसलिए ही आया था क्योंकि मुझे रास्तों का कुछ भी आइडिया नहीं था। सो फिलहाल मैं उनके यहाँ पर पहुँच गई हूँ, और ये उनकी सोसाइटी का व्यू है उनकी बालकनी से। सो अभी मैं मौसी के साथ नीचे आई थी उनकी सोसाइटी देखने के लिए। मौसी ने कहा था कि मैं सोसाइटी घुमाती हूँ, बहुत ही सुंदर सोसाइटी है इनकी। सो बस उनका बेबी, इसका नाम है त्रिशा, मैं, मौसी, हम तीनों नीचे आए थे वॉक के लिए। देखो, हमारे पास कोई हमारी वीडियो रिकॉर्ड करने वाला नहीं है, इसलिए मुझे ऐसे ही बनानी पड़ रही है। एक हाथ में पकड़ के मौसी आगे जा रही है और मैं तो स्टेबल ही हूँ। मौसी बहुत ही क्यूट है, मेरे को बहुत क्यूट लगती है। थैंक यू साक्षी, यू आर आल्सो सो क्यूट। अगर कहूँ तुम सा हसी कायनात में है कहीं तारीफ ये भी है क्या, सच है कुछ भी नहीं।
क्विकली एकदम रेडी हो चुकी हूँ. मैंने लहंगा पहना है, भैया के रूम पे ही है हम. मौसी के यहाँ से आने के बाद नोएडा से फटाफट से रेडी हुए. 2 घंटे लगते हैं ना नोएडा से आने में यहाँ पे. सो 2 घंटे पहले ट्रैवल करके आए मेट्रो में, फिर उसके बाद आते रेडी हुए. बस अब मैंने रेडी हो चुकी हूँ मैं. अब अच्छे से मैंने सब कुछ पेयर कर लिया है. अभी भैया नीचे चला गया, ऑलरेडी उसे कुछ काम था, मुझे भी बुला रहा है. सो मैं भी चलती हूँ और आप मुझे बताना कि मैं कैसे लग रही हूँ. मैंने लहंगा पहना है, ठीक है. अभी जो मेरे शॉर्ट्स वगैरह होंगे थोड़े बहुत वो मैं भैया से कह दूंगी लेने के लिए, या फिर अगर शॉर्ट नहीं ले पाई जैसे भी रहेगा मैं आपको बता दूंगी, पिक्चर्स लगा दूंगी, ठीक है. सो अभी फिलहाल हम निकलते हैं शादी के लिए. एंड या लेट्स सी. और यहाँ पर ना लाइट बहुत कम है, एक छोटी सी लाइट यही लगी हुई है, इस वजह से बस मैं यहाँ पे खड़े होके बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि पूरे कमरे में देखो अंधेरा अंधेरा सही है, बस इस साइड थोड़ा सही है. सो मैं इधर ही खड़े होके बना रही हूँ. और मौसी के घर पे बहुत मज़ा आया मुझे लिटरली, मतलब मेरा आने का भी मन नहीं कर रहा था वहाँ से, बट क्या कर सकते थे. और मेरा बेस्ट डिसीजन था पता है कि मैं वहाँ से चली जाऊँ, मतलब यहाँ से चली जाऊँ वहाँ पे, क्योंकि भैया तो स्कूल चला जाता है, फिर मैं यहाँ पे पूरे टाइम बोर. मैंने सोचा कि यार नोएडा चली जाती हूँ, बेस्ट रहेगा मौसी के यहाँ पे. और लिटरली बेस्ट ही रहा. अभी फ़िलहाल थोड़ा मिस भी कर रहे हैं, जैसे आते हैं ना कहीं से, सो वैसा सा फील हो रहा है. उन्होंने मुझे इतने अच्छे से पैम्पर किया, कुछ भी नहीं करने दिया लिटरली, कि नहीं मैं जब भी कुछ करने के लिए जाती थी, नहीं साक्षी मैं कर लूँगी मैं कर लूँगी मैं कर लूँगी, ज़बरदस्ती उनके हाथों से लेना पड़ता था कि नहीं मैं कर लूँगी, फिर भी वो मेरे से ले लेती थी, कुछ नहीं करने देती थी. सो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा नोएडा का ट्रिप. मैंने घर में तो उनके साथ कम ही ब्लॉग किया, क्योंकि हम लोगों ना पता हम लोगों का पता कैसा है कि हम बहुत ज़्यादा मिले नहीं थे पहले, मतलब ऐसा था कि जैसे कोई फैमिली फंक्शन वगैरह हुए वहाँ पे हेलो हाय हो गई मौसी से ऐसे, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसे पर्सनल हम मतलब मैं उनके यहाँ रुकी हूँ ऐसे. सो इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन हमारा हो पाया. सो हमने बहुत बहुत बातें करी, मतलब पूरे टाइम सिर्फ बातें ही बातें करते रहे. सो व्लॉग वगैरह घर में तो इतना नहीं बनाया, जो बनाया है वो आप देख लेना, मैं सारी क्लिप्स अटैच कर दूंगी. बाकी का लेट्स सी, अभी फिलहाल तो शादी में चलते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. बाय बाय.